अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टू रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। सो टॉपिक के नेम से आपको पता चल गया होगा कि हमने रिडक्शन के हाफ रिएक्शंस की बात करनी है, तो मैं रिडक्शन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करूँगी। रिडक्शन बेसिकली क्या है हमारे पास? रिडक्शन में हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, फर्स्ट पॉइंट कि हाइड्रोजन ऐड होगा किसी चीज़ के अंदर तो वो रिडक्शन होगी। दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप अगर आप कहीं से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं तो वो भी रिडक्शन होगी। और तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ होगा रिडक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पहले ज़ीरो था, वो ज़ीरो से अगर -1 या -2 इस तरह चला गया तो वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका कम हुआ है, ठीक है? तो ये बेसिकली हम कहते हैं ये रिडक्शन हुई है। या अगर किसी का +1 था तो चले +4 लगा लें, +4 था तो +4 से +1 पे गए, तो ये कम हुआ ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे भी हम कहेंगे रिडक्शन। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये बेसिकली चार जो भी पॉसिबल वेज थे रिडक्शन को डिफाइन करने की वो मैंने आपको बता दिए। हमारा ज़्यादा फोकस ऑक्सीडेशन नंबर वाले पे होगा। लेट्स मूव टूवर्ड द एग्जाम्पल। ये हमारे पास NaCl, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Na की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता, जब एलिमेंट अकेला पड़ा होता कहीं पे भी फ्री स्टेट पे, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ज़ीरो। ओके, इधर अगर Cl की बात करें क्लोरीन की, तो इसके ऊपर भी ज़ीरो। लेकिन आप देखें जैसे रिएक्शन आगे फॉरवर्ड किया, डिसोसिएट किया NaCl, तो यहाँ पे NaCl +1 हो गया और Cl क्या हो गया? -1। तो हमें देखें किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो Cl जो है पहले सोडियम ज़ीरो से गया +1 में, तो ये तो कम नहीं हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो ज़्यादा हो गया। तो ये बेसिकली ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है? यानी सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखें Cl को, तो ये ज़ीरो से किधर गया है? -1 पे, तो ये कम हुआ ना, ज़ीरो से नीचे चले गए हम, माइनस पे चली गई है वैल्यू। तो ये बेसिकली क्या हुई है हमारे पास? रिडक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे यू नो जिंक यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो। ज़ीरो स्टेट होगी ना उसकी, क्योंकि ये अकेला है फ्री स्टेट में, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। ओके, यहाँ पे Cl हमें H का हमें पता है +1 होता है, तो Cl का ऑटोमेटिकली -1। अब यहाँ पे H2 है, तो ये भी ज़ीरो स्टेट में ही होगा, ठीक है? कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, वो ज़ीरो स्टेट में ही होती है, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। हमें पता है Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसकी -1 होगी एक की, तो यहाँ पे दो हैं, तो दो की कितनी होगी? -2। तो ये साथ वाले की ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये ओवरऑल तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही होता है ना, तो ये अगर -2 है तो ये कितनी हो जाएगी? +2। इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। चले पहले हम देख लेते हैं किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। ये देखें, जिंक यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन इधर क्या हो गया? वो +2। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है? जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे Cl है, जो यहाँ पे माइनस में है, -1 है, और यहाँ पे वो -2 पे चला गया। और अगर हम H+ की बात करें, तो वो ज़ीरो से हमारे पास गया है +1 से ज़ीरो पे गया। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो इसकी बेसिकली क्या हुई है? रिडक्शन, कि वो +1 से ज़ीरो पे, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल कम हो गया। अगर हम Cl की बात करें, तो ये एक है ना, तो इसका -1 है। ये वाला जो Cl है, ये दो है, तो दो का -2 है, तो एक का तो -1 नहीं होगा ना, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ, तो इसकी ना रिडक्शन हुई है ना ऑक्सीडेशन हुई है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है टू रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट एग्जांपल। दिस इज़ AgCl, और ये उससे Ag+ और Cl नेगेटिव बन रहा है। बेसिकली आपने इसमें करना क्या है, आपने दो रिएक्शन लिखने हैं और दोनों रिडक्शन के लिहाज से लिखने हैं, यानी इसीलिए तो इस टॉपिक का नेम ये है कि टू रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, ठीक है? दो हाफ हाफ रिएक्शन होंगे और दोनों में रिडक्शन हो रही होगी। जैसे Ag
Cl आप लेंगे, ठीक है। रिडक्शन के अंदर मैंने पहला पॉइंट बताया, मैं इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि आपने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो ये देखें, ये चीज़ चेक करें। सबसे पहले आपने ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करें, इसका माइनस वन है और इसका क्या हो जाएगा, प्लस वन, ठीक है। सिल्वर प्लस वन में, अब इधर सिल्वर किस में है, ज़ीरो में, ओके। और ये माइनस वन में ही रहेगा, ठीक है, ये तो चेंज नहीं हुआ। अब इसको प्लस वन से किधर गया, ज़ीरो, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, माइनस, यानी ये प्लस वन है और ये इलेक्ट्रॉन एक जो है ये माइनस वन होता है, तो ये प्लस वन और ये माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो सिल्वर के ऊपर क्या आ जाती है, ज़ीरो। यानी सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पे Ag प्लस वन था, उसे Ag ज़ीरो होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसी तरह ये हमारा हो गया हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन रिडक्शन हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन आपने गेन किया है। अब मैं क्या करूँगी, अब Ag प्लस वन है, ये वाला Ag प्लस वन लिखे। अब इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, Ag ज़ीरो। तो यानी बेसिकली ये मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिखे है, ठीक है। ये भी रिडक्शन हो रही है, यानी हमने रिडक्शन लिखनी है कि रिडक्शन कैसे हो रही है, तो ये इस तरह ये रिडक्शन हो रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखें यहाँ पे क्या है कि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होना है, इतना तो हमें पता है। अब अगर इसकी बात करें, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा किसका कम है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो यानी ये जो है ये इस साइड पे लिखा जाएगा ना, और ये प्लस टू वाला इस साइड पे लिखेंगे और प्लस थ्री वाला इस साइड पे हम लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ने कम होना है ना। और अगर ये मेरे पास दो हो, टू जो एक एफ ई प्लस थ्री है, एक वो किस में जा रहा है, एफ ई प्लस टू में, और उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि प्लस थ्री से प्लस टू में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको। पहले तो वो तीन, प्लस थ्री उसकी स्टेट है, अब एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करूँगी तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस वन को ले लेगा, न्यूट्रल काट देगा, तो प्लस टू रह जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे दो लिख लूँ तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दो इलेक्ट्रॉन की, और ये भी दो, ये बैलेंस की है सिर्फ मैंने। अब इसको देखें अगर, तो इसमें जो एस एन प्लस फोर है वो इस साइड पे आएगा और एस एन प्लस टू इस साइड पे आएगा, इसी साइड पे आएगा ना, क्योंकि ये देखें ये प्लस फोर है और ये प्लस टू है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना है ना रिडक्शन के अंदर, तो ये देखें ऑक्सीडेशन नंबर कम ही हो रहा है, तो ये ऊपर से ऑक्सीडेशन नंबर से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस फोर है और ये किधर गया, प्लस टू में, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर दो कम हुआ है और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो इसके दो प्लस टू, जो इसने दो इलेक्ट्रॉन, यानी इसके रिडक्शन हुई है जो इसकी, यानी प्लस टू कम हुआ ना, तो वो प्लस टू किसने काम किया है, दो इलेक्ट्रॉन ने काम किया है, ठीक है। अब ओवरऑल अगर इसका रिएक्शन देखा जाए, तो ओवरऑल में हम माइनस करते हैं, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे ना, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टू ना लिखती, सिर्फ एक एफ ई प्लस थ्री लेती और उससे एफ ई प्लस टू बनाती, तो फिर मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए, ये पूरा केमिकल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए फिर मुझे यहाँ पर टू लगाना पड़ा, यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन लेके आने पड़े। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, माइनस किया जाता है ये टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, ये कट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो क्या होगा, टू एफ ई प्लस थ्री लगेगा, और यहाँ पे इसके साथ तो माइनस ही लगेगा ना, क्योंकि इसके साथ माइनस है। अब ये टू एफ ई प्लस टू इस साइड पे है जो, और इसके साथ माइनस लगेगा। हम क्या करेंगे, जो इनको प्लस करना है, मतलब माइनस ख़त्म करना है,
तो ये तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव है, अब ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव SN है जो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है वो, ये ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इसी तरह यहाँ पे पड़ा रहेगा और ये इस साइड पे आ जाएगा और ये इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली उसका ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। ओके ये ख़त्म हो गया इसी तरह ये। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास Cl2 है, HCl है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, सिल्वर क्रोमेट इस तरह, और एक सिल्वर है, ठीक है। अब क्या होगा, आप सबसे पहले Cl को ले लें, ठीक है, ये Cl2 है। ओके तो ये HCl है, आप H को ना लें, आप सिर्फ Cl को लें। अच्छा Cl, अब हमें नहीं पता हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, हम यहाँ पे जाते हैं Cl, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये Cl2 यहाँ पे जीरो स्टेट में है और इसके अंदर मुझे दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे और ये हमारे पास बनेगा 2Cl-1। अब ये देखिए इसकी रिडक्शन हो गया, ये जीरो से माइनस में चला गया। अब ये दो क्यों लिया, क्योंकि आगे जो अगला जो पार्ट मैंने हल करना है उसमें मुझे दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फिर यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। ये हम पहले इस पार्ट को भी हल कर सकते हैं, फिर इस पार्ट को भी, या फर्स्ट इसको आप सॉल्व कर लें फिर इसको, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसकी किया हुआ था तो इसलिए मैंने पहले इसको लिख लिया। यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब जैसे हम क्या करते हैं कि अब हम इसको लेंगे Ag2Cr4 को लेंगे, जब इसके अंदर भी आपको दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने दो इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करने हैं। ये देखें, इधर जो सिल्वर है ना, सिल्वर ये अगर इसको हल करें हम तो सिल्वर के ऊपर यहाँ पे +1 आता है, ठीक है। ये दो सिल्वर है लेकिन एक सिल्वर के ऊपर +1 आता है, तो दो सिल्वर है तो फिर +2 होगा, तो +2 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और ये देखें ये यहाँ पे जीरो में चला गया और ये दो सिल्वर बने, समझ आई बात की। इसीलिए यहाँ पे भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे अगर दो हैं तो फिर यहाँ पे भी आपको दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है। और ये तो Cl2 है ना, ऑब्वियसली ये 2Cl है तो दो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए और तब आपके पास दो ही क्लोराइड बनेंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम ओवरऑल रिएक्शन का बात करें तो माइनस करेंगे और ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, ये रह जाएगा यहाँ पे Cl2, ये माइनस में, सॉरी, ठीक है, ये माइनस में, और इधर ये है 2Cl-, ये भी माइनस में, क्योंकि नीचे वाले के साथ माइनस का साइन लगता है, ऊपर वाले के साथ नहीं लगता। अब इसको भी उसी तरह हम करेंगे कि Cl2, ये जो माइनस है ये इधर आके प्लस हो गया और 2Cl- ऑलरेडी इधर प्लस में है तो वो इधर ही रहेगा और ये इधर आ जाएगा। सिर्फ आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमने रिडक्शन करनी है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, वो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। जैसे अब आप इस एग्जांपल में अगर देखें तो ये 2AgCl है और अच्छा इसको ऊपर से भी देख के आप कर सकते हैं। देखिए Cl क्या होता है, -1, ठीक है, और हाइड्रोजन इधर जीरो होगा और इधर सिल्वर क्या होगा, +1, ठीक है, इधर सिल्वर जीरो में है, यस, अकेला है ना तो जीरो में होगा, और यहाँ पे H+1 है और Cl -1 है, ठीक है। तो हमने तो ऑक्सीडेशन नंबर कम करना है ना, तो यानी फिर इसको हमें इस साइड पे लिखना पड़ेगा और दो सिल्वर है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे और ये देखिए ये हमारे पास ये बन जाएगा, ओके, और 7 क्लोराइड आई निकल जाएंगे। आपने चेक किया होगा कि Cl माइनस में रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इसकी रिडक्शन हुई है। ये देखें यहाँ पे ये +1 में है ना, तो ये किधर चला गया, जीरो के अंदर, ये इसकी रिडक्शन हुई है, हम इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो रिडक्शन होती है। अब हम इधर इसको लेंगे कि इसको, इसको ही लेंगे ना, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस वन है और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन ज़ीरो है, तो प्लस वन से ज़ीरो पे जाएंगे तो रिडक्शन होगी ना। तो ये टू एच सी एल है और आपने इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो ये आपके पास बनेगा एच टू। और इसी तरह आपके पास क्या निकलेगा, टू क्लोराइडाइन, ठीक है। यहाँ पे प्लस वन है, एक प्लस वन है तो ये दो हैं तो प्लस टू होंगे और हाइड्रोजन क्या होगा, ज़ीरो। इस चीज़ की मैं यहाँ से आपको समझ आई होनी है। आप देखें इसको भी इस तरह माइनस करेंगे, ये कट जाएगा और ये भी कट ही जाएगा और क्या रह जाएगा आपके पास, इस तरह टू ए जी सी एल, इसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि ये इस साइड पे है, माइनस लगेगा और यहाँ पे टू ए जी और इसके साथ भी माइनस लगेगा क्योंकि नीचे है ये। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो प्लस वाला है माइनस वाले वो इस साइड पे आके प्लस हो जाएंगे, जो इस साइड पे माइनस है वो उधर जाके प्लस हो जाएंगे। तो ये देखें ये ओवरऑल रिएक्शन है, जो ये जिस तरह का क्वेश्चन है उसी तरह का बना है, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया बेसिकली कि यहाँ पे टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन के थ्रू इसको प्रूव कर दिया हमने। अब जो लास्ट एग्जांपल है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये देखें जिंक यहाँ पे ज़ीरो में है, ओके। हमें पता है एस ओ फोर के ऊपर क्या होता है, माइनस टू, तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस टू। ओवरऑल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करना है ना। अब यहाँ पे जिंक के ऊपर सल एस ओ फोर माइनस टू होता है, एस ओ फोर माइनस टू ओवरऑल मॉलिक्यूल, और ये क्या हो जाएगा, प्लस टू, और इधर कॉपर ज़ीरो स्टेट में, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, हमें पता है इस चीज़ का। अब क्या होगा कि यहाँ पे जिंक ज़ीरो में है और यहाँ पे प्लस टू में है, अब इस साइड पे कौन आएगा, यही आएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस टू है ना उसकी, और ये हमने किधर जाना है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर कम करना है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर हम कम करते हैं, तो ये प्लस टू है तो आपको ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है, ये होगी रिडक्शन। और ये इस तरह, ये जो सल्फेट है ये बाहर आ जाएगा, माइनस टू इस तरह कुछ हो जाएगा। अच्छा वो एक मतलब साइड प्रोडक्ट उसको कंसीडर करें, हमारा कंसर्न इसके साथ है मेन, जिसकी रिडक्शन हो रही है। अब ये चाहिए, ये इसी साइड पे रहेगा क्योंकि ये प्लस टू में है ना कॉपर, और आपने दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने क्योंकि प्लस टू है तो आपको प्लस टू ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंड इट विल हैपन लाइक दिस, ये कॉपर ज़ीरो में चला गया, ठीक है। और इसी तरह सल्फेट निकल जाएगा इसका, ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें तो ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये भी कट जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, जिंक सल्फेट और माइनस CuSO4, ठीक है। और यहाँ पे Zn, बट ये माइनस ऊपर वाले के साथ आपने माइनस नहीं लगाना, माइनस नीचे ही लगता है, कोई मैथ का रूल है, ठीक है। अब जिंक सल्फेट ये साइड पे आ जाएगा ना कॉपर, और ये जिंक और ये कॉपर सल्फेट, यानी ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। वैसे भी अगर हम देखें तो जो जिंक है उसने अपना सल्फेट किसको दे दिया, यानी कॉपर, ठीक है, जिंक अकेला रह गया। तो ये हमारे पास था टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जो फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम्पल थी उसमें मैंने ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखा, इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, ए जी सी एल और माइनस ए जी, ठीक है, ये ए जी प्लस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी एल नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको इधर ले जाना है और ये इधर आके प्लस हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास है ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, इसी तरह आप इसी मेथड के थ्रू आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं, एग्जांपल, ठीक है। होप कि आपको समझ आई होनी है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of my next video. Stay tuned, stay happy, stay blessed, and remember me in your prayers. And thank you.